हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब आ गई हूँ अपने रूटीन पे। आज बहुत सारे काम किए। सबसे पहला काम तो ये बेडशीट चेंज किए और फिर बैग का मतलब सारा सामान निकाल के बैग को हल्का हल्का पोछे हैं। बहुत धुले नहीं इस बार क्योंकि बहुत गंदा नहीं हुआ, तो पोछ के साफ करके वो सब रख दिए। प्याज मशीन लगाएंगे, बाकी सब अपना रख दिए। सारा काम बच्चों का भी, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि जो बिना धुले लाए थे, सब धुल के लाए थे। जैसे रोज़ नहाते थे तो जो धुलना होता था धुल देते थे। अभी भैया इनका एक दो कपड़ा है, ये धुले हैं, एक दिन मशीन लगाए थे लेकिन थोड़ा बहुत है। और बेडशीट दोनों चेंज, अभी उसका तो चेंज नहीं किए हैं। पूजा रूम का भी चेंज करेंगे, उस पर सारा सामान फैला हुआ है, उसको चेंज करेंगे फिर मशीन लगाएंगे। पहले का वीडियो स्टार्ट कर ले, आधा काम तो कर चुके हैं बिना नहाए ही। फिर लगा ना कि वीडियो भी नहीं स्टार्ट हो पाएगा और काम तो करने लगो तो पूरा दिन लग जाएगा। कहने पहले नहा ले, तो मेन बड़ा काम हो गया है तो नहा ले। झाड़ू तो खैर सुबह लगाए थे लेकिन ये सब करने के चक्कर में फिर से झाड़ू लगाना ही होगा, तो झाड़ू पोछा भी बाद में करेंगे। सारा सामान हटा लेंगे यहाँ से, थोड़े बहुत बचे हैं मेकअप के सामान, ऐसे डब्बा डुब्बी यही सब अपने जगह पे लगाने को बचा है। बड़े बड़े कपड़े जैसे सब कुछ लगा चुके हैं। तो आज अपने को तैयार किए कि नहीं, आज अब अपने रूटीन पे आना है। बहुत दिन तक मुझे ना मतलब कहीं जाने का पैकिंग दिखता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, उलझन होती है कि अभी लग रहा है कि कहीं से आए हैं कहीं से आए हैं। कहने आज थोड़ा सा फ्रेश फील भी कर रहे हैं क्योंकि इतना सो लिए। नींद तो खैर अभी भी आ जा रही है, आँख भी देखिए थोड़ा सा आज कम है। सोने को तो चाहेंगे तो अभी भी सो जाएंगे तो नींद आ जाएगी, पता नहीं क्या हुआ है। और बहुत काम तो वहाँ नहीं रहता लेकिन हाँ, तो चलने फिरने का काम और देखने का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है मेरा। खाना का तो शादी से पहले भी नहीं था, झूठ क्यों कहें कि अभी है या शादी से पहले। शादी से पहले भी मेरा किचन से कोई लेना देना नहीं था और शादी के बाद भी नहीं है। करती हैं दोनों भाभियाँ, करती हैं। मेरी मम्मी का भी किचन से कोई मतलब नहीं होता है, दोनों भाभियाँ करती हैं। अभी दाल चावल भी बना चुके हैं, सुबह सब्जी रोटी बनाए थे तो ये टिफ़िन लेके चले गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:45 बज रहा है, मतलब इसमें 11:45 बज रहा है, 11:30 हो गया है। तो काम मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं, बस मशीन वाला काम बचा है। और ये जो घर का साफ़ सफाई, सारे अलमारी तो सब कुछ पोछ चुके हैं। एक बार झाड़ू लगाए थे सुबह तो सोफा सारे अलमारियाँ सब पोछ के तब झाड़ू लगा दिए थे। चलते हैं, पहले थोड़ा बहुत और जो काम है समेट ले। अभी इस कमरे का आपको हालत दिखाएं, यहाँ का देखिए, ये देखिए बेड के नीचे सारे भाई छोटे छोटे टाइप के डब्बा डुबी टाइप के चूड़ी टाइप के ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं। बाकी बड़े जितने हैं सब रख चुके हैं, तो वही सब है। अभी मेरा चेन नहीं निकाले हैं, चेन अभी नहीं पहने हैं। गला सुना रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और चेन वो वाला इतना पतला है ना, वो लेके नहीं गए थे तो वो वाला चेन इतना पतला है ना कि पहनो तो गर्मी में भी दिक्कत नहीं होती है और मतलब कहीं गड़ता भी नहीं है। तो अभी निकालेंगे उसको तब पहनेंगे। मशीन लगा रहे हैं, कपड़ा सब लगा के इकट्ठा करके रख दिए हैं। करते करते बहुत सारे कपड़े हो गए, लगता है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ठीक कर दिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी सब सामान रखे हैं, सब रखना है ड्रेसिंग में, अच्छे से लगाना है। और कुछ इधर ये कंप्यूटर वाले के नीचे लगाना रहता है, सब आज पोछे हैं। ये भी अलमारी सब भरी हुई थी, सारी अलमारियाँ भरी हुई थी, सब साफ़ कर दिए। बस कागज़ उगज थोड़ा बहुत देखना है, तभी उतना समय नहीं। इधर सब कूड़ा लगा के रखे हैं कि कूड़ा है। ये वाला बिस्तर भी चेंज कर दिए, वो देव का वाइट यूनिफॉर्म निकाले हैं, कल उसका टर्न है, सैटरडे को पहन के जाएंगे वो। और इधर भी बेड के नीचे थोड़ा बहुत बस सामान लगभग पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाने में, बाकी सब साफ हो गया। तो खाना दे दिए अपना, ये सब्जी चावल ऐसे ही निकाले हैं कि अपने लिए नहीं मन कर रहा था कटोरी निकालने का, बच्चों को तो दाल चावल सब्जी वही था। मेरा थोड़ा सा कल का सोयाबीन की सब्जी रखा हुआ था और ये रखे थे कि छाछ खा लेंगे कह रहे हैं। ये छाछ लाए हैं कल का तो पी लेंगे, लेकिन
बर्फ़ फ्रीजर में रख दिए थे, बर्फ़ जमा हुआ है, वो अभी नहीं हो पाएगा, तो पूरा बर्तन धुल दिए, सबसे बड़ा काम कर दिए। अब खाएंगे ना तो खाने का स्वाद अच्छा लगेगा, और बर्तन रखा रहता है ना तो फिर लगता है बहुत बड़ा काम अभी है। कुकर कढ़ाई सब था, सब धुल दिए, तो किचन का पूरा काम क्लीन हो गया। अब चलते हैं खाना खाने, तब तक मशीन का भी लगभग लग रहा है कि खाते खाते तब तक हो जाएगा। अब नींद भी आ रही है, फिर खा पी के सोएंगे। इकट्ठा काम नहीं रहता है ना तो फिर सो भी तो सुकून रहता है, और काम रहता है ना तो फिर लगता है कि अभी काम पड़ा हुआ है, काम पड़ा हुआ है। गुड इवनिंग, अभी शाम का समय हो रहा है, सो के तो हो गया 10-15 मिनट उठे हैं, दूध आया था तब उठे, 10-15 मिनट से अधिक ही हो गया क्योंकि दूध उबल भी गया। धीमे आज पे उबलते, आज इंडक्शन गया था बनने के लिए, अभी तो ये लेके आए हैं, देखते हैं, बोले चेक करके देख लो। गैस पे दूध उबल भी गया, अभी जा रहे हैं रसगुल्ला खाने। कल मेरा व्रत था, और कल आप लोगों ने देखा होगा पूरा भरा हुआ था, तो मेरे घर में मीठा रहे तो किसी को भी चैन नहीं है, सबका मतलब ध्यान फ्रीज पे ही रहता है, बार बार फ्रिज से कुछ भी लाने को बोलो तो सब लोग दौड़ के जाते हैं। भाई हम नहीं खा पाए हैं, कल नहीं खाए, व्रत था तो शायद मैदे से या कुछ मिला के लोया बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो नहीं खाए थे। अभी जा रहे हैं, सुबह से भी नहीं खाए, याद नहीं आया। अभी जा रहे हैं पानी पीने के, सबको, बच्चे भी सो के उठ गए हैं सब लोग, और ये भी आ गए अभी। अभी आज मिस्टर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आए हैं, अपने साथ ही लेके आए हैं, लेकिन उसको तो आज की वीडियो में नहीं दिखाएंगे, कल की वीडियो में दिखाएंगे पूरा सब कुछ लग हो जाने के बाद। और बहुत बड़ी है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मुँह मीठा तो करना बनता है, और घर में मिठाई हो तो और ज़्यादा मुँह मीठा करना बनता है, मौके पे है भी, तो उसके लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा कि क्या है गुड न्यूज़। अभी अचानक से बाहर का प्लान हो गया, हम गए थे बाहर टहलने के लिए, और ये लोग तीनों लोग घर पे थे, पता नहीं इन लोगों में क्या बातचीत हुई, और अचानक से हुआ कि वहीं से टहल रहे थे, वहीं से बैठ गए कि चलो चलते हैं। फिर गए तो वहाँ पे फुल्की खाए और आइसक्रीम भी, और देव जिद कर रहे थे, मैं तो जिद कर करके थक गई, नहीं लेके गए, तो फिर चले गए बाहर टहलने। हम कहे जाने दीजिए, नहीं लेके जा रहे तो फिर जाके बाहर ही टहल लेते हैं। और यहाँ पे आइसक्रीम लेके, फिर यहीं पे थोड़ी दूर पे ही चश्मे का डॉक्टर था, तो हम कहे कि चलिए दिखा लेते हैं इनके लिए, बहुत दिन से चश्मा लेना है, लेकिन भीड़ वहाँ इतनी ज़्यादा रहती है ना कि जाते हैं फिर भीड़ देख के हट जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये तीनों लोग कितने बढ़िया लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसे बाहर से अचानक से चले गए, मुझे तो पता ही नहीं था, गए थे बाहर टहलने के लिए, फ़ोन आया बगल में से, तो कह जाए थोड़ा देर टहल ले, खाली बैठे थे, चले गए टहल ले, ऐसे ही जैसे थे, तो बस यही मेन सड़क पर टहलने चले गए, वहाँ बैठे थे थोड़ी देर, तो अचानक से ये तीनों लोग गाड़ी पर बैठ के आए कि चलो। भाई कहाँ चल रहे, क्या चलो बस चलो साथ, तो चला दियो अपना जुगाड़ लगाए थे पापा से रिक्वेस्ट करके, चलिए चलिए बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है गाड़ी से, चले गए। अभी खा पी के आए हैं, फुल्की खाए हैं, खाए वो तो आप लोग देख ही हैं, क्या बताओ अचानक से, अगर हम लोग कह रहे वो वही कह रहा था, हम कह रहे थे आज कि मेरा मन कर रहा है चलिए मुझे लेके मटका लाना था, कह चलिए लेके लेते भी आए, क्योंकि एक जन से वो आ नहीं पाएगा गाड़ी से, कह चलिए, लेकिन कह रहे नहीं मुझे आलस आ रहा, नहीं जाना है, देव अगर कुछ कह दे तो मना नहीं कर पाते हैं, वही ओम कह रहे थे कि पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया, मैं नीचे लिख रहा था ऊपर पापा और ये गए टहलने के लिए, और ऊपर से आए तो पापा बोल रहे चलिए चला जाए, कहते देव का जादू है, देव कह रहा है ये मैं, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, सबके बस का नहीं है, और पीछे से हंस रहा है। ये मीठी फुल्की खाया, ये तीखी वाली जीरा चल वाली नहीं खाता है, कह रहा है ये सब चीज़ें सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सब लोग नहीं कर सकते हैं, सबके बस का नहीं है, क्योंकि मैं कह कह थक गई नहीं लेके गया उसको। देव भी तो है, कुछ तो जादू है, देव कुछ भी कहता है ना तो हम लोग मना नहीं कर पाते हैं, मेरा भी है
खुद ओम कहता है कि नहीं मैं भी मना नहीं कर पाता हूँ, ये इतना मुँह प्यारा सा मुँह बना के बोलता है ना कि मना नहीं कर पाते हैं। अभी जा रहे हैं, सब्ज़ी बनाना होगा इनके लिए, मेरा तो खाना हो गया है, हम नहीं खाएंगे, और इनके लिए बनाना होगा सब्ज़ी। थोड़ा बहुत देखते हैं क्या बनाते हैं। हाँ चिपका देना है, रखिए चिपका देना है, हो गया काम इसका। नई बुक है ना, अभी चलते हैं किचन में अपने रोटी सब्जी बनाएं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड कर रहे हैं। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उस पर नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।